नमस्कार, आइए बात करते हैं राज्य की तमाम बड़ी खबरों की। वहीं आज राजस्थान में होंगे बड़े बदलाव, किसानों के लिए भी बड़ी खबर, सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान। चलिए जानते हैं आज की तमाम बड़ी खबरें, बने रहिएगा अंत तक। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। इसी बीच मौसम विभाग राजधानी जयपुर, अजमेर, टोंक, जोधपुर में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं आगामी 2 सप्ताह के दौरान राज्य में सामान्य से अधिक बारिश होने की प्रबल संभावना है। आज एक कम दबाव का क्षेत्र पश्चिमी बंगाल के उत्तरी भाग व आसपास के झारखंड के ऊपर स्थित है। एक अन्य कम दबाव का क्षेत्र महाराष्ट्र तट के पास लगने वाले अरब सागर की खाड़ी में स्थित है। वहीं मानसून ट्रफ लाइन आज बीकानेर व सीकर से होकर गुजर रही है, जिसके प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में आगामी 5 से 6 दिन मानसून सक्रिय रहने तथा जयपुर, भरतपुर व कोटा, अजमेर, उदयपुर संभाग के अनेक स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश व कहीं कहीं भारी बारिश की प्रबल संभावना है। वहीं कोटा, उदयपुर भाग में 25 और 26 अगस्त को कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जोधपुर संभाग के कुछ भागों में आगामी दिनों में मध्यम से कहीं कहीं तेज बारिश व जोधपुर संभाग में 23 से 26 अगस्त को कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। वहीं बीकानेर में आज फिर कई दिनों बाद बारिश देखने को मिली, जहां बारिश के चलते मौसम तो सुहावना हुआ और लोगों को गर्मी से भी राहत मिली। वहीं पिछले 24 घंटे में राजस्थान में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम वर्षा दर्ज की गई है। टोंक, झुंझुनू, उदयपुर तथा चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं कहीं भारी तथा पाली जिले में कहीं कहीं अति भारी वर्षा दर्ज की गई है। पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक बारिश रासमी चित्तौड़गढ़ में 90 mm दर्ज की गई, वह पश्चिमी राजस्थान की रायपुर पाली में 122 mm बारिश दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 38 डिग्री गंगानगर तथा सर्वाधिक न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री बाड़मेर में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजधानी जयपुर के महिंद्रा सेज में स्थित विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर में शुरू हो रहे उत्तर भारत के पहले विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य की आर्थिक प्रगति में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं। हमारी सरकार प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए 9 से 11 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित होने वाली राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में निवेशकों को आमंत्रित भी किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि हाइड्रोलिक सिलेंडर का आज कंस्ट्रक्शन, अर्थ मूविंग, यूटिलिटी व लिफ्टिंग, कृषि वानिकी, खनन जैसे अनेक क्षेत्रों में उपयोग हो रहा है। ऐसे में देश विदेश में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यह संयंत्र उपयोगी साबित होगा। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि इस संयंत्र का आगे विस्तार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अजीम प्रेम जी का जयपुर में विप्रो हाइड्रोलिक प्लांट की शुरुआत करने के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि अजीम प्रेम जी ने विप्रो का 53 वर्ष तक नेतृत्व किया है, तभी विप्रो आज इस मुकाम तक पहुंची है। एक कॉर्पोरेट समूह के रूप में विप्रो की देश दुनिया में प्रतिष्ठा है। आईटी, इंजीनियरिंग, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में यह दिग्गज कंपनी मानी जाती है। साथ ही प्रदेश सरकार के साथ मिलकर अजीम प्रेम जी फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने हाइड्रोलिक प्लांट का निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक कैलाश शर्मा, प्रमुख शासन सचिव उद्योग अजिताभ शर्मा, जेसीबी इंडिया लिमिटेड के सीईओ दीपक सेठी, विप्रो हाइड्रोलिक अध्यक्ष सीताराम गणेशन सहित विप्रो कंपनी के पद अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जल जीवन मिशन में ठेकेदार पदमचंद और महेश मित्तल की जाँच रिपोर्ट के चौंकाने वाले रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब बचे हुए इंजीनियर्स पर भी गाज गिरेगी। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार गोड़ ने 3 एडिशनल चीफ इंजीनियर्स को नोटिस थमाकर कार्रवाई के लिए आदेश दिए हैं। 7 दिन में हर हाल में तीनों इंजीनियर्स को रिपोर्ट देनी होगी। राजस्थान के जल जीवन मिशन में ईडी और सीबीआई ने जल जीवन मिशन घोटाले के 900 करोड़ के घोटाले में छापेमारी की है। इस छापेमारी में बहुत से इंजीनियर बच गए हैं, लेकिन अब जलदाय विभाग ऐसे इंजीनियर्स पर शिकंजा कसेगा जिन्होंने पदमचंद और महेश मित्तल के साथ मिली भगत कर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है। जल जीवन मिशन चीफ इंजीनियर दिलीप कुमार गोड़ ने एडिशनल चीफ इंजीनियर जयपुर हुकम चंद वर्मा, अलवर एसीई ललित करोल और जयपुर चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा को नोटिस देकर साथ में रिपोर्ट तलब की है। तीनों ही अफसरों की कमेटी बनाकर सरकार ने क्रॉस रीजन से जांच करवाई थी। अब करीब 15 इंजीनियर्स को 4 सीट मिल सकती है, लेकिन इसमें से कई इंजीनियर्स को 4 सीट से पहले ही प्रमोशन का तोहफा मिल गया है। जिले के ताकली बांध परियोजना में विस्थापित 7 गांवों के निवासी गुरुवार को इकट्ठा होकर के ताकली बांध पर पहुंचकर 9 सूत्रीय मांगों की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद देर रात तक ग्रामीण धरने पर डटे रहे। सूचना पर एसडीएम अनिल कुमार सिंगल और तहसीलदार मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाइश की गई, परंतु ग्रामीणों ने लिखित में मांगे और मंत्री दिलावर को मौके पर बुलाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि हमें मूलभूत सुविधाओं की मांगों को लेकर पिछले 1 वर्ष से तहसील स्तर से जिला स्तर तक कई धरने दिए तथा कई बार अधिकारियों एवं राजस्थान सरकार में कार्यरत विधायक और मंत्री
को प्रार्थना पत्र ज्ञापन देकर हमारी समस्याओं के समाधान के लिए रोड जाम धरना प्रदर्शन विधानसभा चुनाव बहिष्कार एक 3 दिवसीय आमरण अनशन के बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं की जा रही है, जिसके चलते 7 गाँव के ग्रामवासियों ताकली बांध पहुँचे और मांगे पूरी नहीं होने पर जल समाधि कर आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। साथियों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। ये है वीडियो, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।